एक्चुअली स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके दिल में एक खुद का जज्बा होता है एक टीम के लिए, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी टीम में नाइट राइडर्स का एक ऐसा जज्बा पैदा हो जिसमें मज़ा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, खुशी भी है और एक जीतने की भावना है। सो अगर ये सब आइडियोलॉजी वो समझ जाएंगे तो ऑलरेडी मुझको सौरभ वो सब जब फ़ोन करते हैं बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि ओ इट्स लुकिंग सो गुड, आर टीम इज़ लुकिंग सो गुड। आई थिंक आई कैन ओनली प्रोवाइड दैट, आई कैन ओनली प्रोवाइड द फैक्ट दैट द प्रमोटर्स ऑफ द टीम विद इट्स माई सेल्फ और जय, वी आर ऑल अटेम्प्टिंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी कम्फर्ट टू आर 22 प्लेयर्स। और वो खुद ही इतने दिल के अच्छे हैं सब, जब दे विल सी दैट दे विल ऑब्वियसली कम फॉरवर्ड एंड से नो वी आर गोना मेक श्योर दिस टीम डज वेरी वेल। सो दैट्स ऑल, आई थिंक ऑल यू कैन डू इज स्प्रेड लव। विलन्स का मिलन एक मजाकिया कॉन्सेप्ट है जो नोकिया कनेक्टिंग पीपल के, क्योंकि ये हमारे टीम स्पॉन्सर्स हैं तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि तुम्हारी टीम में इतने सारे लोग हैं। शुरू में बात ऐसी होती थी कि कैसे एक फॉरेन का प्लेयर जिसका झगड़ा एक इंडियन प्लेयर से हुआ है कैसे साथ में आएंगे, तो एक कॉन्सेप्ट ये निकाला कि हमारी टीम में जो है एक दूसरे के सब विलन्स हैं, हर तरह के विलन्स हैं और इनका अगर मिलन कराना है तो इनका विलन जो है नोकिया वाइल कनेक्टिंग पीपल कराएगा। और होपफुली ये जेन्युइन बात है क्योंकि इसका एक बड़ा अच्छा लाइन है कि दे ऑल हेट ईच अदर बट दे हेट लूजिंग इवन मोर एंड दैट्स हाउ दे विल रिमेन कनेक्टेड बिकॉज दे ऑल वॉन्ट टू विन फॉर नाइट राइडर्स।